रखोगे? मैं तो रखूंगा बरकरार सीखिया हूँ, ना तो मैंने किसी के दबाव में आने से लिया है और ना मैं किसी के दबाव में आने से तारता। मेरा मन आया था सीखी, मेरे मैं सीखी को बरकरार रखूंगा। कई तरह के शब्द बोले ने, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਕਾਰ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ? ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਸकी ਸਜ਼ਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇਊਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਉਸको ਸਜ਼ਾ ਉਹਨਕੋ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਾਤ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਇਹ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਕੋ ਜੋ ਇਹ ਬੇਦਬੀ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸਕੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਕੱਟ ਦਿਏ। ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਾਣਾ ਲਾਣਾ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਣੇ ਕੀ ਬੇਦਬੀ ਹੈ, ਉਹਨਕੀ ਸਜ਼ਾ ਉਸਕੋ ਦੀ ਜਾਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਿਆ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਣਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗੱਲ ਆਈ ਸੀਗੀ ਉਦੋਂ? ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆਈ ਸੀ, ਮਗਰ ਇਹ ਮੇਰਾ ਬਾਣਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੈ ਕੌਣ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਾਣਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਾਣਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਾਣਾ ਹੈ। ਜੋ ਇਹ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਉਂਦੇ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਕੀ ਦੇਣ ਹੈ, ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਣਾ ਮੇਰਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਹੈ? ਮਾਰਪਿੱਟ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਮਾਰਪਿੱਟ ਬਾਬਾ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਦਾ, ਬਾਬਾ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਦਾ, ਜੱਸੀ ਦਾ, ਇਹ ਕਈ ਜਣੇ ਦੇ ਮਾਰਪਿੱਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਲੱਖੇ ਸਿਧਾਣੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਮਾਰਪਿੱਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਵੈਸੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖੀ ਪਰਖਾਓ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਓ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ ਉੱਥੇ? ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਆਤੀ, ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਫੋਨ ਮੇ ਮੇਰੇ ਮੈਂ ਸੁੰਦਰ ਗੁਟਕਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਫੋਨ ਮੇ ਐਡ, ਮੈਂ ਸੁੰਦਰ ਗੁਟਕੇ ਮੇ सुनता हूँ। मेरे को पंजाबी पढ़ने नहीं आती जी, मेरे को पढ़ने नहीं आती, मैं बताऊंगा क्या। तो उस तो बाद संगत ने भी इस चीज नु माड़ा मनया के बाणी भाई 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 कोई नहीं पता ये पेपर है। तो संगत ने भी मनया के बाणी दी बेअदबी नहीं होनी चाहिए। संगत तोडे नाल खड़ी है, तोडे जेडे किसान लीडर खड़े ने, संघर्ष नु किवें देखदे हो? ओ तो संघर्ष तो ऐसे ही चलेगा, किसी के ऐसे करने से संघर्ष नहीं चलेगा। साबित करते कोई गवाह मेरे पास भी है, बलवान शेखपुरा और एक जिंद साइड का लड़का जो उस साइड में लंबो परसों जो आप 20 तारीख की शायद रात की घटना है, आप जो तंबू में बैठे लगे सिद्धाने और रात को इंटरव्यू ले रहे थे, उसमें तंबू में एक बंदा रहता है, उनकी गाड़ी निकलवाने के लिए मैं गया था, वो मेरे साथ है, उनसे पूछ लो अगर जो मैंने मुर्गा मांगा है, मैं अपनी गर्दन लाने की बात करता हूँ, अगर वो जिसने ये मुर्गे वाली घटना लाई है ना, तो वो साबित करते चाहते निम्मा धर्मी बात आ जाओ, अपनी गर्दन ला देने मैं अपने ला दूंगा। जी बीड़ी पी रहा है कोल खड़ के पी रहा है जो तंबू बच्चे पी रहा है जो कि सड़क से खड़ के पी रहे? महाराज के घोड़े बंदे हुए उ निका लाली और बड़ा लाली, महाराज के घोड़े होंगे उसका थोड़ी दूर महाराज का प्रकाश भी होंगे। पहले समझाया बोला कि मैं लो भाई साहब ये बीड़ी ना पिए इतने, तू कौन है मेरे को रोकने वाला? जिब गिरवान पे हाथ ला दे, मगर मैं यही बताता हूँ मैं कौन हूँ तेरे को रोकने वाला। अच्छा, जिब गिरवान पे हाथ पा देगा तो उसमें गुस्से में कुछ भी हो सकता है। मैंने उनका ये भी कहा था अगर कोई सी राजनीति पार्टी या आरएसएस से मेरे संबंध पाएगा मैं जिंदगी भर सिकल नहीं दिखाऊंगा। उस वक्त ये नहीं गल कही कि मैं आरएसएस का नहीं है, मैं नकली संघ नहीं है, मेरी इन्वेस्टिगेशन करो, मेरी इंक्वायरी करो, ये गल नहीं उस वक्त कही उन्होंने? उस टाइम मेरी सुनने वाला था कौन है? वो तो अपने आ खड़े थे। अच्छा, उन्होंने तो उम्मीद की कर दे हुन बाबा राजा राज सिंह ते बाबा कुलविंदर सिंह माफी मांग गए, हालांकि लखा माफी मांगने से कोई समाधान नहीं होता, उसकी सजा उसको मिलनी चाहिए। मैं तो एक ही बात कहता हूं, मेरा बाणा लाया तो उसकी सजा मिलनी चाहिए। जिसने मेरे साथ भेद भी की थी गुरुदेव बाणे की, उसको सभी को सजा मिलनी चाहिए। मैं तो यही दरखास्त फिर एक दूजे दे नाल जेडे इल्जामा दे विच उलझ जाएगा, किसान संघर्ष भी नहीं सिंह भी एक दूजे दे नाल फस गए ने, तो फिर भाईचारा तो उन्होंने जिस टाइम मेरे को पकड़े मारपीट की थी बाणा लाया, उससे पहले उनको इंक्वायरी करनी चाहिए थी इस चीज की। फिर बाद में अगर मेरे पर दोष साबित होता तो फिर मेरे पर बाद में कार्रवाई करनी चाहिए थी। उस पहले कार्रवाई करने वाले वो कौन है? बाबा मान सिंह है बूढ़े दल के झंड में करोड़ी है, उनसे कहने से मैंने अमृत सक्या। बाबा मान सिंह मेरे को कोई भी सजा देते, बाबा अमन देता, जो उनसे दल पंथ में रहता हूँ उनको हक है, इनको क्या हक है मेरे को सजा देने का?
जाऊंगा अपने जत्थेदार से बात करूंगा, उससे बात करने के बाद मैं बताऊंगा क्या करना है क्या नहीं करना।